अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक इन कीप अप विद अशर। अच्छा आज जो है वो हम जा रहे हैं इफ्तार पे, हमारे एक दोस्त हैं जो ट्रैवल लर्निंग 2021 वाली सीरीज़ में आपने देखा होगा फासिल, सो ही हैज़ इनवाइटेड अस ऑन इफ्तार पार्टी। मूड मेरा बहुत ऑफ हो चुका है क्योंकि पीछे इतना ट्रैफिक था कि बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया ट्रैफिक ने, और आज शदीद किस्म की गर्मी है। तो हम अभी बाकी दोस्तों को पिक करते हुए जाएंगे। रिसाइड से अपने गुलशन हदीद जो स्टील टाउन कहलाता है, बेसिकली स्टील मिल्स के पास का इलाका है ये, तो काफ़ी दूर है। आई होप कि हम इफ्तार से पहले पहले पहुंच जाएं, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है रोड्स की उसको मुझे देख के लग रहा है कि शायद आज के बाद कराची में कुछ खुलेगा नहीं। तो आई विल कैच यू गाइस इन अ बिट, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज ये सारे वही लोग हैं जिनके साथ आपके पिछले ब्लॉग्स मेरे फॉलो करते आए हैं। अभी भी कुछ बाकी हैं, विच आई विल बी पोस्टिंग ऑन माई चैनल वेरी सून। तो आपका पता है इस कैरेक्टर का? हेलो फादर, प्लीज डू द ऑनर। सीधे आपसे काटो भाई, सीधे आ रही है। गुड बर्थडे टू यू, गुड बर्थडे टू यू। मुंह तो ऊपर कर लो तुमने, मुंह इतना नीचे से गालियां लग रहा है, रिश्ता हो रहा है तुम्हारा। इसने आपको कोई ब्लॉग नहीं दिखाया आंटी? जब लोग ने आपको दिखाया दिखाओ ना, तभी तो पता चलेगा कि इससे कितनी मस्ती आई। अब किराया ठीक है ना, मैंने नहीं दिखाया तो बचाना नहीं मेरा हाफ लेदर का पूरा किट जल गई थी लेदर की फेंकने के चक्कर में, ऐसी रखी है बिकी तो पीस नहीं। लेदर अगर आप यूज नहीं करोगे वो गल जाता है। नहीं तो आराम के लिए चल रहा है, चलाम पर खोला तो टुकड़े टुकड़े हो गई सारी चीजें। नहीं वो होता ही है प्योर लेदर, अगर हमारे जैसे वेदर में यूज नहीं होगा ना ज्यादा देर उसको हवा नहीं लगेगी, वो खराब हो जाता है। कार्ड होल्डर था ना, देख रहे हैं ना छोटे बच्चे नहीं ना, जब आपने गिफ्ट समझ में रोने लगते हैं कि ये क्या दिया था। सो अभी हम अल हबीब रेस्टोरेंट में एंटर हुए हैं, घरों वाले अल हबीब में। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव बीन हियर। इससे पहले सुपर हाईवे वाले पे हम बहुत दफ़ा जा चुके हैं, वो हमारे घर से कंपैरेटिवली करीब है, और ये ऑलमोस्ट इतना दूर है कि अगर हम आधा घंटा और ड्राइव करेंगे तो हम ठट्टा पहुंच जाएंगे। हमारे कुछ चाहकार दोस्त हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया कि जी ये 15 मिनट की ड्राइव पर है हदीद से, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक घंटे के तकरीबन ड्राइव करके हम पहुंचे। ये वो शख्स है जिसने बोला था कि 15 मिनट के रास्ते पर, घंटे के करीब ड्राइव करी हमने इसके घर से। वापसी में हम अगर यहाँ से पता नहीं कब पहुँचे, 45 मिनट और ये दो अदद खवातीन जो बैठी है ना साथ में, ये घर पे अलग अलग स्टोरीज बनाने में मसरूफ है कि क्या बताएं घर पे। ये आप यूट्यूब पे मत डालिए, ये तो डलेगा यूट्यूब पे। आप फेमस ब्रो, बटन जरा मेन्यू डिसाइड करके आओ। ना ठीक है ठीक है, जो नहीं ठीक है ठीक है ठीक है।
कढ़ाई अब बिग नो ऑनेस्टली, इतनी कढ़ाई है कढ़ाई है, कोई रूम नहीं है कढ़ाई का, लेकिन हाँ ग्रेवी वाला देख सकते हो ना, तुम तो हाथ मत चलाओ, हमने हर वीडियो में यही किया है। सैंडविच वगैरह क्या मंगाया जाए, फिर पहले आप के चक्कर में ना, फिर बाद में बोलोगे हम नहीं खाते वो नहीं खाता। दोबारा करते हैं दोबारा। एक ये चिकन, ये चिकन ढाका क्या है? ये ढाका तो नहीं, ढाका चिकन नहीं मंगा रहा, ड्राई होती है, इसका शहर है वो फ्राइड चिकन होती है और उसमें कुछ लगा हुआ होता है। हाँ इसके साथ ही बहुत टेस्टी मानी, हर किस्म की मानी, सिंगापुरियन इंडियन बना दे यार। नहीं इतने लाला बोला ही नहीं आज तक, सुबह से सब खड़िया खड़िया बढ़िया, टिक्का भी खड़िया तेज कर जाए, टाइम हो गया ओके। मैं तो गुस्सा आ रहा था, सब की हवा जो है ना वो इतना खराब हुई थी हालत। स्टोरी वापस आओ, मजा आ गया। और हाँ खाना आ चुका है, और खाने में क्या है भाई, रेशमी कबाब है, ये क्या है, ये बिहारी बोटी, ये बिहारी बोटी है, और ये अच्छा चिकन बिहारी बोटी है जी, और ये अफगानी बोटी, ये अफगानी बोटी है चिकन, और ये आ गई जनाब आपका व्हाइट कढ़ाई आई है। रोटी तो तुमने बिहारी बोली थी, ये तो एक ही रोटी लाया। अच्छा रंग बिरंगी यहाँ पर है, रोगनी तो लग रही है, ये पगड़ी वाले फ्लेवर कौन सा पता नहीं, ये तंदूरी पराठा है मेरे ख्याल से। अब सर तुम कौन सी ट्रेडिंग कर रही हो, इतनी मसरूफ हो, कौन सी ट्रेडिंग कर रही हो, कौन सी ट्रेडिंग कर रही हो? अफसा खौफ ज्यादा बैठी हुई है बीचों बीच, क्योंकि बिल्ली जाए वो खेलने के मूड में नहीं, कहाँ गई बिल्ली, बिल्ली से खौफ ज्यादा है, चली गई, चली गई, चली गई, यही घूम रही है, अरे आपके पास ही है। अच्छा कहा था उसको भूल ही हो गया था। अरे बिल्ली मुझे बताते खुद को खास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पैर ऊपर कर लिया। बिल्ली की भी बना रहे नहीं जा रही, ज्यादा हो जाएगी, क्यों आई फिक्स हो रही है यार, ये बिल्ली बहुत आगे बहुत ही ढीठ किस्म की बिल्ली है।